नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक फार्माकोलॉजी की इम्पोर्टेंट ड्रग के बारे में आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। डिजॉक्सिन ड्रग का नाम है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, डिजॉक्सिन एक इम्पोर्टेंट ड्रग है और बहुत सारे इसके यूजेज है। ये डिजॉक्सिन का एक एम्पुल है, 2 ml का ये एम्पुल आता है दोस्तों, और 1 ml के अंदर 0.25 mg डिजॉक्सिन यहाँ पे मेंशन है। ड्रग होती है 0.25, तो अगर 2 ml होगा तो 0.5 mg जो है इसके अंदर डिजॉक्सिन का डोज होगा। इसको स्लो IV या डीप IM हम एज ए ड्रग यूज़ कर सकते हैं। डिजॉक्सिन एक आइनोट्रॉपिक एजेंट है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, ये हार्ट को स्लो करता है। डिजॉक्सिन के 2 मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आपको पता होने चाहिए। एक तो ये ब्रेडीकार्डिया कराता है और एक ये हाइपोकैलीमिया कराता है। तो ब्रेडीकार्डिया और हाइपोकैलीमिया कराने वाली ये ड्रग जो कि 2 ml के एम्पूल में आती है, और IV या IM इसको लगा सकते हैं। 1 ml के अंदर 0.25 mg, तो 2 ml के अंदर 0.5 mg इसकी डोज होती है। और डिजॉक्सिन हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। जिस भी मरीज को हार्ट फेलियर होता है उसके हार्ट को अच्छे से कॉन्ट्रेक्शन कराने के लिए और कार्डिक आउटपुट को बढ़ा के ब्लड प्रेशर या BP को इम्प्रूव करने के लिए डिजॉक्सिन को काम में लिया जाता है। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्रग जो एग्जाम में पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए। सीरम डिजॉक्सिन नॉर्मल लेवल जो होता है वो 0.5 to 2 nanogram per dl होता है। और डिजॉक्सिन की अगर ओवरडोज हो जाए दोस्तों तो उसको डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कहते हैं। और डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी जो होती है उसका फर्स्ट क्लिनिकल साइन जो है वो एनोरेक्सिया होता है। इसके अलावा मरीज को नोजिया, वोमिटिंग और येलो विजन देखने को मिलता है। इसको डिजिटलाइज के नाम से जानते हैं। और अगर इसका टॉक्सिसिटी के इफेक्ट आते हैं तो मरीज़ को इसका एंटीडोट देते हैं, जिसको हम डिजी बाइंड के नाम से जानते हैं। थैंक यू।